हाँ गाइस, अब अपन देखेंगे जो उस समय देखा था, सामान उबाल लिया, मसाला तैयार कर रहे थे अपन। ये मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल को गर्म कर लिया था तेज जब तक धुआं आ रहा था, अब उसको थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब ताकि हम इसमें अब हींग डालेंगे तो हींग एकदम जले नहीं। और ये मिक्सी में मसाले हैं जिसके हमने दरदरा पीस लिया है, जिसमें है सौंफ, अजवाइन, जीरा और राई को हमने अलग पीसा था, उसको सेका नहीं था, बाकी मसाले सेके थे। और फिर उसमें हमने डाल दिया नमक, काला नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सब हमने डाल दिया। ये मसाले एक जगह रेडी है। ये दो कैरी पावर गौंदे थे, तो पावर कैरी मैंने इसमें कस ली थी। अब जो इसकी जो दो गुठलियां पड़ी थी, जो गुठली को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको पानी में डाल के उबाल लिया है, तो इससे कैरी पानी बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसको उबाल दिया, इसको ढक देंगे। अब ये मेरा मसाला, तेल जो डाला था, सरसों का तेल डाला है मैंने इसमें, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें राई वो हींग पाउडर पहले अंदाजे से थोड़ी हींग डाल देंगे, थोड़ा तेल को ठंडा होने दिया ताकि हींग डालते एकदम जले नहीं। ये हींग डाल दिया हमने, और ये सारा मसाला मेरा जो एक जगह कर लिया था, ये मसाला इसमें डाल दिया। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हल्का सा सिक जाए मामूली सा, फिर इसमें डालेंगे हम ये कसी ये गोंदे जिसको हमने थोड़ा सा सुखा दिया था पानी, ताकि इसमें गुठले में इसमें पानी नहीं रहे, पानी रहेगा तो जल्दी खराब होगा। वापस गैस ऑन कर रही हूँ, पीछे मैंने गैस ऑफ कर दी थी। ये हल्का सा मसाला, इसका मसाला भून रहा है। बहुत शानदार गोंदे का अचार रेडी है, कई लोग इसको निसोड़ा भी बोलते हैं। अब ये इसमें हम डालेंगे कसी हुई कैरी, ये हमने इसमें डाल दिए। ये जो गोंदे हमने बॉईल करके रखे थे, ये बॉईल करे हुए गोंदे डालेंगे और थोड़ी सी देर चलाएंगे ताकि मसाला इसका अंदर तक पहुंच जाए। फिर इसको पड़ा रहने देंगे, फिर इसमें बाद में ठंडा हो जाएगा जब बर्नी में भर देंगे, फिर तो उसके बाद इसमें तेल को गर्म करके वापस ठंडा करके डाल देंगे। और ये 2-3 दिन बाद कैरी डली हुई है, 2-3 दिन बाद खाने जैसा रेडी किया अचार है। ये देखिए शानदार, इसमें लाल मिर्ची के और लग रहा है डालने के लिए, तो थोड़ी लाल मिर्च और डाल सकते हैं, और शानदार मसालेदार अचार रेडी है। कई लोग इसमें खटाई भी डालते हैं, लेकिन खटाई डालने की जरूरत नहीं है, खटाई की जगह हमने कैरी डाल दी है। ये देखिए कितना शानदार कैरी का गोंदे का अचार रेडी है। ये देखिए, और इसके बाद हम तेल बढ़ने में भरे बाद तेल को ठंडा करके और इसमें डाल देंगे, पहले तेल को गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। अचार का कलर देखिए कितना शानदार गोंदे का अचार तैयार है। इसको गर्मी में और ताजा खाना बहुत बढ़िया लगता है, ये वाला अचार फायदा भी करता है, खाना चाहिए अचार। आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मत खाओ, अपन तो खाते हैं।